कोर्ट नंबर 6 में ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल जी के यहाँ जो है ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई। वहाँ पर मस्जिद पक्ष के वकील श्री एस एफ ए नकवी जी ने, जो सीनियर एडवोकेट हैं और उनके असिस्ट किया तमाम जूनियरों ने, उन्होंने फाइल की थी और उनकी मांग थी कि जब तक इस पिटीशन की सुनवाई न हो जाए तब तक के लिए वहाँ जो 31/1/2024 डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का आदेश है वहाँ पूजा पर रोक लगाया जाए, जिसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। मस्जिद पक्ष की तरफ से रिस्पोंडेंट नंबर 1 की ओर से श्री विष्णु शंकर जैन और प्रदीप कुमार शर्मा जी ने अपीयर किया था और रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से विनीत संकल्प जी अपीयर किए थे। चूँकि पिटीशन में ऑर्डर की सर्टिफाइड कापी नहीं थी तो ये पिटीशन जो है FAFO डिफेक्टिव नंबर 136/2024 है और इसमें इनको सर्टिफाइड कापी फाइल करने के लिए समय दिया गया है और 6/2/2024 अगली तिथि नियत की है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता श्री अजय मिश्रा जी भी सरकार की तरफ से अपीयर किए थे। अब जो भी सुनवाई 6/2/2024 को होगी उससे आपको 6 फरवरी को जो भी सुनवाई होगी, जो भी निर्णय आएगा उससे अवगत कराया जाएगा। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने कौन कौन सी दलीलें पेश की और हिंदू पक्ष भी उसे क्या कहा? मुस्लिम पक्ष ने जो दलील अभी पेश की है, अभी चूंकि उनके पास सर्टिफाइड कापी नहीं थी तो उनकी एक दलील मेन दलील थी कि तब तक जब तक 6 फरवरी पर सुनवाई हो रही है वहाँ मस्जिद में जो है जो व्यास जी की पूजा करने का आदेश दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जज के, उस पूजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे जिसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से जो है अभी ऐसा कुछ वो नहीं आया, हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया है और जो भी अगली सुनवाई होगी जब सर्टिफाइड कापी लेके 6 फरवरी को अपीयर करेंगे सीनियर एडवोकेट श्री SFA नकवी जी, तो जो भी निर्णय होगा। सुरक्षा को लेकर भी कुछ कोर्ट ने कहा है? हाँ, महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार चूंकि कोर्ट में मौजूद थे रिस्पोंडेंट नंबर 1 की तरफ से, तो उनसे ये कहा है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, वो उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी है जो है, उसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा जो है लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार मेंटेन रखे। सर अपना शुभ नाम बताएं। मैं सुनील कुमार सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष हाई कोर्ट बार इलाहाबाद। कोर्ट में मौजूद थे उस समय? हाँ, मैं उसमें कोर्ट में मौजूद था, उसमें एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन भी मस्जिद पक्ष की तरफ से फाइल हुई है जो रिजेक्ट हो गई थी, उसको भी चैलेंज किया है 17/1/2024 के आदेश को, ऑर्डर 40 रूल 1, उस पर भी सुनवाई 6 फरवरी 2024 को ही होगी।